साथियों चलिए आज इसमें विटामिन के कुछ बारे में फैक्ट जान लेते हैं। एक फर्स्ट है कि विटामिन ए, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। अधिकतर ये आपको पीला फल में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी, सूखी त्वचा, आँख में सूजन भी आ सकती है। गोल्डन जो राइस होता है उसमें विटामिन ई की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। और विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाई जाती है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मीट हुआ, चीज़ हुआ, पम्पकिन हुआ, कैरोट हुआ, इत्यादि सब में आपका विटामिन ई की मात्रा, ए की मात्रा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कि विटामिन बी, विटामिन बी की मात्रा किस में पाई जाती है। तो विटामिन बी को जो होता है थायमिन या बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक, चावल के ऊपरी परत में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग क्या है? बेरी एक प्रकार का त्वचा रोग है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका दिया गया है, जैसे टमाटर हुआ, मीट हुआ और काजू हुआ, ये सब में आपका विटामिन बी पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो अच्छा स्रोत होता है नींबू, आंवला, खट्टा चीज़, अधिकतर खट्टे चीज़ों में मतलब पाया जाता है। इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग हो जाती है या शरीर में स्टोर नहीं होता है, जब तक ये पेट में है तभी तक रहता है। ठीक, सब्जी को हम लोग ज़्यादा छील देते हैं या उबाल देते हैं तो विटामिन सी की मात्रा नष्ट हो जाती है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? जैसे ऑरेंज खट्टा होता है, भी हो गया, पपाया हुआ, गुआवा हुआ, स्वीट हुआ, इत्यादि सब में यानी कि विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ठीक, विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी को हम लोग यानी कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी, एक ऐसा विटामिन है विटामिन डी जिसको हम लोग हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। यह हड्डी के लिए अच्छा होता है, जैसे हड्डी में अगर कोई इफेक्ट आ जाता है, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर देखिएगा कि विटामिन डी यानी कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आपका कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है। तो हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह तेज़ी से बनने वाला विटामिन है, जैसे सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, मछली इत्यादि में सब पाया जाता है। मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, मछली में विटामिन डी, मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चे में रिकेटस और वयस्कों में, जैसे पुरुष होता है ज़्यादा एज के, उसमें आपको मरामस रोग पाया जाता है। विटामिन डी के जो कहाँ पाया जाता है, सनलाइट हुआ, वो आपका मिल्क हुआ, इस मतलब इत्यादि सब में, जैसे यहाँ पे सब दिया हुआ है, मछली हुआ, इस सब में आपको विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई है तो इसको हम लोग टेकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन ई को यह आपको अंकुरित अनाज में, पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है। ठीक, इसका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता मतलब कि प्रजनन की क्षमता कमी आती है। जैसे पुरुष में अगर विटामिन ई की कमी है तो आपका नवपन सुखा हो जाएगा, महिला में आपका बांझापन की मतलब संभावना देखने को मिल सकती है। ये होता है, बाल का झड़ना भी होता है विटामिन ई के कारण। विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो बाल का भी झड़ना शुरू होता है। विटामिन ई कहाँ पाया जाता है तो यहाँ पे देख ले, सनफ्लावर हुआ इत्यादि में सब में, मतलब कर्ड हुआ, ओलियो ऑयल हुआ, ये सब में आपका विटामिन ई पाया जाता है। ठीक, अब विटामिन के देखते हैं। विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनियन भी बोलते हैं। ये रक्त को थक्का बनाता है। ठीक, इसके जो से होता है, जो विटामिन के से ब्रेन हेमरेज होता है, इससे रक्त का थक्का बनाना, ब्लड का क्लॉटिंग, तो ब्रेन में जो होता है पतला सा नस होता है, इसमें यहाँ पे अगर थक्का बन जाएगा तो नस का फट जाएगा, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। ठीक, तो विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? चिली पेपर में आपका पाया जाता है। उसके बाद कुकुम्बर हुआ इत्यादि में आपके यहाँ सब दिया हुआ है, जैसे विटामिन के पाया जाता है।